दोस्तों 12 में जिन स्टूडेंट ने 8 से अपनी पढ़ाई पूरी की होती है उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यह होता है कि 12 आर्ट्स के बाद क्या, 12 आर्ट्स के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या है और कौन कौन सी जॉब होती है। अगर आप भी इसी क्वेश्चन से परेशान हैं तो ये वीडियो आपको सॉल्यूशन जरूर देगा। अक्सर हम यह बोलते हुए सुनते हैं कि 12 ही सब कुछ होता है। अगर 12 में अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया गया और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बहुत सारी दिक्कतें आती है और यह सही भी है, बट ऐसा नहीं है कि 12 के बाद ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर आर्ट्स पढ़ने वाले को सुनने को मिलता है कि आर्ट्स में कोई करियर नहीं है, यह बेकार सब्जेक्ट है, आर्ट्स केवल कमज़ोर दिमाग वाले लोगों का विषय है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को कम फोकस किया जाता है। हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि अगर आप 12 आर्ट्स से पास किए हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और करियर चूज करने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्ट्स वाले के पास भी उतने ही अच्छे करियर ऑप्शन होते हैं जितने कि साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के पास होते हैं, बट इसके बारे में लोगों के पास जानकारी कम होने के कारण ज़्यादातर बच्चे इसे दूरी बना लेते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1 BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप BA कर सकते हैं। BA और BA ऑनर्स 3 ईयर्स का कोर्स है। इसके बाद आपके पास बहुत से करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। इस कोर्स को पूरा करके आप टीचर, फिल्म मेकर, राइटर, लाइब्रेरियन, कोरियोग्राफर या फिर कोई और फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नंबर 2 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA कर सकते हैं। BBA भी 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स होता है। इसको करने के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिटिक्स एक्सेट्रा। नंबर 3 बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसको पूरा करने के बाद आप म्यूजिक, डांस, फोटोग्राफी और थिएटर जैसे फील्ड में जाने का चांस मिलता है। अगर आपको किसी टॉपिक में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट करना और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर लॉ यानी BALLB। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होता है। इसको करने के बाद लॉ फर्म और MNCs में जॉब कर सकते हैं। नंबर 5 बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है तो इससे बेहतर कोर्स और कोई नहीं है। नंबर 6 बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसको करने के बाद आप न्यूज़ रिपोर्टर या फिर कंटेंट राइटर, साउंड इंजीनियर, फोटोग्राफर, फैक्ट चेकर, एडिटर, इवेंट मैनेजर एंड न्यूज़ एंकर जैसे फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 7 BA इन साइकोलॉजी। यह डिग्री कोर्स 3 साल का होता है जिसको पूरा करने के बाद आप सोशल वर्कर, रिसर्चर, करियर काउंसलर जैसे फील्ड में करियर सेट कर सकते हैं। नंबर 8 बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। यह कोर्स 3 साल का होता है जिसको पूरा करने के बाद आप जनरल मैनेजर इन होटल, सेल्स मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, फूड प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, होटल मैनेजर, रिसोर्ट मैनेजर, कैटरिंग ऑफिसर, एरिया रिटेल मैनेजर जैसे पदों पर जॉब कर सकते हैं। नंबर 9 बैचलर ऑफ डिज़ाइन। यह 4 साल का डिग्री कोर्स है जिसको पूरा करने के बाद आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, VFX डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फर्नीचर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, आर्ट डिज़ाइनिंग जैसे अच्छे पदों पर जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 10 BA इन एनिमेशन। नंबर 11 BA इन सोशल एंड ह्यूमैनिटीज़। लास्ट बट नॉट लिस्ट नंबर 12 BA इन क्रिमिनोलॉजी। यह एक डिग्री और डिप्लोमा कोर्स है जिसे करने के बाद आप CBI, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, एक्सपर्ट विटनेस, जूरी कंसल्टेंट जैसे बहुत से फील्ड में अपना करियर सेट कर सकते हैं। ये थी आर्ट्स वाले स्टूडेंट के पास करियर ऑप्शन के बारे में वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। उससे पहले मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, उससे रिलेटेड कितने जॉब मिलते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में वीडियो आने वाला है बहुत जल्द ही। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।